नमस्कार दोस्तों, इतिहास की वो बड़ी घटना जालियांवाला बाग हत्याकांड, आप इससे अपरिचित तो जरूर नहीं होंगे। आप लोग को पता ही होगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, जो भारत में एक ऐसी दुखद घटना थी जो सभी के दिल को तोड़ दिया। दोस्तों कहने का मतलब है वो बहुत ही भयानक घटना उसको कह सकते हैं। एक निहत्तों पर जो गोलियां बरसाई गई थी, वो घटना जो आपको याद ही होगा, आप लोग पढ़े ही होंगे, जरूर आप लोग पढ़े होंगे। तो दोस्तों आज हम उसी विषय के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जालियांवाला बाग हत्याकांड से जो भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं, उन क्वेश्चन को भी हम लोग कवर करेंगे। और जालियांवाला बाग हत्याकांड का क्या कारण था, क्यों हुआ, उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि आपको समझाने के तौर पर ही सभी क्वेश्चन को भी पूरा समाप्त कर दिया जाए और जालियांवाला बाग हत्याकांड से जितने भी सवाल बनते हैं वो सभी आपको इस वीडियो में याद हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज का टॉपिक हम लोगों का क्या है, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड, सबसे पहले हम लोग जानते हैं दोस्तों कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था कब हुआ था। तो आप लोग को याद होगा 13 अप्रैल 1919 को जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। यह कांड जो हुआ था कहाँ हुआ था दोस्तों, तो पंजाब के जो है पंजाब के अमृतसर में हुआ था दोस्तों। और किस दिन हुआ था आपसे पूछ लिया जाए तो बैसाखी का वो दिन था, बैसाखी के दिन जो है ये घटना हुआ था। आखिरकार क्यों ये जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो दोस्तों इस घटना से पीछे हम आपको लेख के चलते हैं। आपने सुना जरूर होगा रॉलेट एक्ट कानून के बारे में आपने जरूर जाना होगा। रॉलेट एक्ट कानून के बारे में आप लोग जरूर जानते होंगे। रॉलेट एक्ट कानून एक ऐसा कानून था जो कि अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था कि किसी भी भारतीयों को संदेह के आधार पर उसको गिरफ्तार करके उसको जेल भेज दिया जाता था समझिए तौर पे, और ना ही कोई अपील दलील या कुछ भी वकील रखने का उसमें प्रावधान नहीं था दोस्तों। इस घटना को हम लोग काला कानून के भी नाम से जानते हैं, जो रॉलेट एक्ट है। उसी के वजह से एक मीटिंग बैठाई गई थी आपको कहाँ पे, तो पंजाब के अमृतसर में। अब 20,000 से ऊपर, कहने का मतलब है इस मीटिंग में जो ये सभा हो रहा था, 20,000 से ऊपर लोग इसमें शामिल हुए थे इस सभा में। अब इस सभा में 20,000 से लोग इसमें शामिल हुए थे कि हाँ ये जो एक्ट हुआ था इसी के विरुद्ध में। अब बात क्या शुरू होता है कि ये घटना होने का कैसे हुआ, तो देखिए पंजाब में क्या हुआ था कि उस समय सैनिक शासन लागू हुआ था, सैनिक शासन, लेकिन इन लोगों को पता नहीं था कि सैनिक शासन लागू हुआ है, ठीक है, पंजाब में। अब क्या होता है कि जनरल डायर उस समय जो थे सैनिक के उच्च अधिकारी थे, उनको जब इसकी सूचना पड़ा तो वे अपने सैनिक के साथ जाकर जालियांवाला बाग जो स्थान है, जालियांवाला बाग जो स्थान का नाम है, जिसको हम लोग जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं, जहाँ पे वो घटना हुआ था, जालियांवाला बाग में ही वो सभा हो रही थी। और ये बात तो क्या था कि चारों तरफ से जो गोल था एक ही तरफ, यानी कि जो एंट्री गेट और एग्जिट गेट था, कहने का मतलब एक ही तरफ से, यानी पूरे चारों तरफ से पूरा बंद था और एक ही तरफ था जो कि आपका आने और जाने का रास्ता था। अब सैनिकों ने क्या किया कि यहाँ पे आकर कब्जा कर लिया, और जब लोगों को सूचना पड़े तो भगदड़ मच गया। और क्या हुआ, उस भगदड़ के दौरान ही जनरल डायर के आदेश से पूरे सैनिक ने उन सभी निहत्तों पे गोलियां बरसा दी। अब गोलियां बरसा दी तो क्या हुआ, बहुत सारे लोग मारे गए, लेकिन सरकारी डाटा के अनुसार, यानी कि सरकारी जो आंकड़ा कहा गया था, सरकारी यानी जो भी मरने की संख्या बोला जा रहा है कि सरकारी मरने के अनुसार जो है कितने लोग मारे गए थे, तो मात्र 379 लोग को बताया गया, 379 लोग मारा गया।
क्योंकि आपको भी पता है कि सरकार कितना झूठ बोलता है, ठीक है। अब बाकी सब जो घायल हुआ था और भाग गए थे, यही सब हुआ, लेकिन 379 लोग जो है मारे गए थे, जो डाटा में है वही आपको देना पड़ेगा एग्जाम में भी, ठीक है। इसीलिए मारे तो जरूर ज्यादा थे, लेकिन 379 लोग बताया गया था, ठीक है। अब इसकी जांच किसने किया था, जांच अगर इसको बात करें तो जांच किसने किया था, तो हंटर कमिटी ने, या समिति पूछा जाता है, समिति ने इसकी जांच किया था। जांच की बात करें, अब ये इसका जांच करने का आपको पता चल गया, हंटर समिति ने जांच किया था, इसमें कितने लोग मारे गए थे, तो 379 लोग मारे गए थे। कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ। अब घटना का बीच में आपको पता चल गया कि घटना कैसे हुआ था, तो आपको टोटल चीज से पता चल गया। इससे और दो तीन क्वेश्चन पूछा जाता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण ही जो है गांधी जी ने केसर ए हिंद और रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर नाइट की उपाधि जो है सर नाइट की उपाधि त्याग दी थी। कहने का मतलब है ये जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण ही जो है जो अंग्रेजों द्वारा जो गांधी जी को सम्मानित के रूप में जो उपाधि दिया था केसर ए हिंद का और रविन्द्रनाथ टैगोर को केसर सर नाइट की, तो उस वो जो उपाधि जो है इसे दुखी होकर इस घटना से उनको अंग्रेजों को वापस कर दिया था। तो सवाल किस प्रकार बनता है अब इसको समझिए, आपको तो पूरा घटना पता चल गया, अब सवाल कैसे बनता है सुनिए। सवाल बनता है क्या, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को। अब क्या नेक्स्ट सवाल बनेगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किसकी देन है, तो रॉलेट एक्ट की देन है, ना ही रॉलेट एक्ट होता ना ही जालियांवाला बाग हत्याकांड होता, ये बात को समझिए, ठीक है। अब आपसे दूसरा सवाल पूछेगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, तो समझ जाइए पंजाब के अमृतसर में, किस दिन, तो बैसाखी के दिन हुआ था, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछे कि कितने लोग सभाओं में थे, तो 20,000 से ऊपर थे। कितने लोग मरे, तो 379 लोग लगभग मरे थे, ठीक है। आपसे पूछ दिया जाए कि इस कौन सी घटना के कारण जो है गांधी जी जो है सर नाइट की उपाधि सॉरी केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड। आपसे पूछ दिया जाए कि हाँ बताइए कौन से घटना के कारण जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर नाइट की उपाधि त्याग दी, तो क्या होगा जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो देखिए ओवरऑल जो क्वेश्चन जालियांवाला बाग हत्याकांड से इतना ही बनता है, इससे ज्यादा क्वेश्चन बनता नहीं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में, रॉलेट एक्ट के बारे में जानेंगे, फिर हम लोग एक तरह का यानी कि सभी टॉपिक जैसे रॉलेट एक्ट हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, असहयोग आंदोलन हो गया, जितने भी गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलन है वो क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में आता ही है, तो सभी को एक टॉपिक बाय टॉपिक है। जैसे कि अभी हम लोग जालियांवाला बाग हत्याकांड कवर किए हैं, इसके नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग रॉलेट एक्ट करेंगे, फिर खिलाफत आंदोलन कर लेंगे, फिर असहयोग आंदोलन कर लेंगे, इस प्रकार से हम लोग तरह से समझते हुए चलेंगे और उससे जो भी क्वेश्चन बनता है उन सभी को हम लोग क्लियर करेंगे।